1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने की रेजोल्यूशन पास की। शुरुआत में मुस्लिम लीग की इस मांग को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 2-3 साल में ही इसे मुस्लिम समाज और उलेमा से व्यापक समर्थन मिलने लगा। भारत जैसे देश के लिए जहां सैकड़ों पंथ हजारों वर्षों से साथ रहते आए हों, ये अनोखी बात थी कि जब रिलीजन के आधार पर देश तोड़ने की बात हो रही थी, लड़के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारों से देश दहल उठा था। 1946 में जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, तो मुस्लिम लीग ने भी देश तोड़ने के लिए अंतिम चाल चली। लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि या तो भारत टूटेगा या बर्बाद होगा, और डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। ऊपर से दिखाने को डायरेक्ट एक्शन को हड़ताल कहा गया, लेकिन असल में ये हिंसा और खून खराबे की योजना थी, जिससे डरकर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग मान ली जाए। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर भयानक खून खराबा किया गया। हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों औरतों का बलात्कार हुआ। दुकानें और घर जला दिए गए। कलकत्ता की सड़कें लाशों से पट गई। इस खून खराबे को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता के बाद अक्टूबर में बंगाल के ही नोवाखाली में खून खराबा किया गया। वहां भी हजारों लोगों को मारा गया, औरतों से बलात्कार और जबरन पंथ परिवर्तन किए गए। इस सब का परिणाम ये हुआ कि रिलीजन के आधार पर देश तोड़कर मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बनाने की मांग सफल हो गई।